एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। एंड श्रीलंका हैज स्टार्टेड क्रूजिंग रियली रियली फास्ट, तेजी से अब रन आना शुरू हो गए। राइट नाउ श्रीलंका 14वें ओवर में जो है वो 84 रन बना चुका है विद द लॉस ऑफ वन विकेट। वी नीड टू हैव अ ब्रेक हियर कि कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। बोलर्स को अप्लाई जरूर कर रहे हैं, बाबर पूरी कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं, विच इज अ गुड साइन दैट वो कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ और प्लान करना पड़ेगा, कोई और प्लान लाना पड़ेगा बिकॉज दिस पार्टनरशिप इज नाउ गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। और वंस ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि टिक के वहाँ पे बैठ जाएंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर और कोई और डिस्कशन आगे बढ़ाएं, यूसुफ ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जब सऊद शकील की बात कर रहे थे तो बीच में एक जगह आई जहाँ पे प्लेयर्स ज़ाया करने की हम बात करते हैं। हमने बड़े डोमेस्टिक में वैसे प्लेयर्स ज़ाया किए हैं, बहुत टैलेंट है हमारे पास, हम अमेरिका भेज देते हैं टैलेंट को, हम कहते हैं वहाँ चले जाओ। देखिए मुझे तो सबसे पहले ज़्यादा, हालांकि नदीम उर साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी है, आज़म भाई से मेरी इतनी मुलाकात नहीं, शायद अभी एक हुई थी क्वेटा में, लेकिन इन दोनों के इंटरव्यू सुन के मुझे हैरानगी बहुत हुई है। अच्छा, ये कराची का लड़का है, इनकी क्लब का है, अभी आके ये बता रहे हैं ये बड़ा प्लेयर है, ये वो है, तो वो इनकी जो ग्लैडिएटर की टीम में क्यों नहीं है? इन्होंने कभी नहीं खिलाया? नहीं, स्क्वाड की बात, जो एक बंदा ये कह रहा है बड़ी दौड़ का घोड़ा है या जो भी है, वो कैसे नहीं खेल रहा? पाकिस्तान से बड़ी है लीग वो, तो फिर आप इधर का तो कह रहे हैं अपनी टीम में खिला नहीं रहे, तो सबसे बड़े ये नुकसान पहुंचाने वाले ये दोनों बंदे, क्योंकि इन्होंने बचपन से देखा ड्यू रिस्पेक्ट दोनों की। रिस्पेक्ट है, नदीम उर बहुत जबरदस्त आदमी है, आजम भाई भी है, लेकिन जब एक प्लेयर जाया ये कर रहे थे, पाकिस्तान ने बचाया है, उन्होंने तो पिक कर लिया उसको, अब नहीं पिक नहीं कर लिया, इन्होंने ही खिलाना है, ये प्राइवेट टीम है। यूसुफ, क्या मुझे एक बात बताएं, क्या फॉर्मेट का फर्क नहीं पड़ता? हम बार बार एक बात करते हैं जो सबसे बड़ा फ्लॉ पाकिस्तान क्रिकेट में ऑल टुगेदर है, कि हमारे यहाँ पीएसएल में कोई लड़का रन करता है उसका नाम टेस्ट की टीम में आ जाता है, वो T20 खेल के आया होता है उसका नाम टेस्ट की टीम में, तो क्या फॉर्मेट का? हम जब सऊद शकील की बात करते हैं, सऊद शकील पाकिस्तान से भी T20 नहीं खेलते, इसलिए क्योंकि एक लड़के का एक मिजाज होता है एक तरीके से खेलने का, हर जो लड़का लंबी क्रिकेट खेलता है, हाँ वो गियर शिफ्ट करे, वो अपने ऊपर काम करे। क्या काम नहीं किया सऊद शकील ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को ODI में अप्रूव करवाने के लिए? देखिए ये मैं बात आप साथ रहे, मैं साथ रहूं, बात इधर उधर हो रही है, ये लड़का कराची से T20 खेल रहा था, कैसे हो सकता है ग्लैडिएटर की टीम में ना खेले, ये कैसे हो सकता है? और उसने गुस्से में आके लास्ट ईयर ट्वीट भी किया है, जाति कर रहे थे ना ये लोग, यही लोग कर रहे थे, या तो फिर कोच तो नहीं कर सकता, जो इनको ये देते हैं ये वो करते हैं कोचेस, ये ऑनर्स हैं। अब आके ये यही बता रहे हैं ना, कोई और तो नहीं बता रहा आके ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ऐसे है वैसे है, तो आज पता चला है, इसका मतलब वो तो पाकिस्तान ने बनाया फिर प्लेयर, आप लोगों का तो कोई काम नहीं इसमें, कहते हैं ना सक्सेस हैज मेनी फादर्स फेलियर्स एंड ऑल। तो फिर मेरा ख्याल है कि इनका इंटरव्यू गलत लिया है। अच्छा, इनका तो फिर लेना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, फिर जो है जाहिर सी बात है, मैं तो बिल्कुल उनको मैं इनवाइट करूंगी कि वो इसको आके डिफेंड करें, डिफेंड कितना भी कर लें वो गलत डिफेंड होगा ना, कर लें जो भी मर्जी कर लें, लेकिन जब आप खुद नहीं खिला रहे तो फिर दूसरों को क्यों कह रहे हैं जाया करने का? अच्छा, जहाँ ज्यादतियों की बात हो रही है, हमारे सर्किट में अभी एक और ज्यादती की बार बार लोग बात कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरफ से हमें पता चलना चाहिए। ऑब्वियसली हमारा काम यहाँ पर रिपोर्ट करना है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और हमसे ज्यादा जाहिर सी बात है जो हमारे सीनियर्स हैं उनको ज्यादा खबर होती है, उनको ज्यादा पता होता है, तो इस वक्त हमें हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने जो है वो ज्वाइन इन किया है। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, सवेरा और मोहम्मद यूसुफ को भी मेरा सलाम। भट्टी साहब वाले सलाम, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, काफी अरसे बाद आपकी बात सुनेंगे हम। तो भट्टी साहब, जहां हम ज्यादतियों की बात कर रहे हैं, वहां बार बार बात हो रही थी एक ज्यादती, वो बात हो रही थी कि जी नसीम शाह, हसनैन, एहसानुल्ला, ये तीनों इंजर्ड होते हैं। नसीम शाह को यूके भेजा जाता है, हसनैन को यूके भेजा जाता है, एहसानुल्ला यहीं पे रहते हैं और यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। फिर आपने हमारे ही शो पे ये बताया कि नहीं जी, एहसान को वापस हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है बिकॉज शायद उनकी सर्जरी में कोई इशू हुआ। क्या क्या आप मुझे इस पे और फिल इन कर सकेंगे इस न्यूज़ पे प्लीज? देखिए सवेरा, एहसानुल्ला की मैं कहानी आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, एक डेढ़ मिनट शुरू से बताऊं जी, कि उन्होंने शिकायत की कि मेरी कोहनी में तकलीफ है, तो PCB का जो मेडिकल पैनल था उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और कुछ दिनों बाद उनका रीहैब स्टार्ट करके उनको कहा कि आप बॉलिंग करवाएं और वेट ट्रेनिंग भी उनकी शुरू करवा दी। इन द मीन टाइम
एहसानुल्लाह ने कहा कि जी मेरे तो बहुत ज्यादा पेन हो रही है कोहनी में, और इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि वो बकायदा जो आई बिटनेस है वो कहते हैं कि चीखे मारने लगे कि बहुत गए कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कोहनी में। तो जब उनका दोबारा स्कैन करवाया गया, उनकी स्कैन की रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी गई, तो वहां डायग्नोज हुआ कि इनकी कोहनी में तो फ्रैक्चर है, और वो जो रिहैब करवाया जा रहा था, जो वेट ट्रेनिंग और बॉलिंग करवाई जा रही थी, वो गलत है। जिसके बाद लाहौर के एक हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ, और मेरे ख्याल परसों या तीन दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो भी वो वायरल की है, जिसमें वो कुछ प्रोटेक्टर उन्होंने लगाए में, और उन्होंने कहा कि दुआ करें कि मैं जल्दी से फिट हो जाऊं। तो ये मतलब पीसीबी के मेडिकल पैनल ने जिस तरह उसको गलत तरीके से ट्रीट किया, तो ये इंग्लैंड में जाके जाके डायग्नोज हुआ कि उनके कोहनी में फ्रैक्चर है, फिर जिसके बाद यहाँ ऑपरेशन करवाया गया। इसी तरह नसीम शाह को ये पुरानी कंधे की इंजरी थी, लेकिन वर्कलोड मैनेज नहीं किया गया। मोहम्मद हसनैन तो पाकिस्तान से ज्यादा खेले नहीं, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, ये कहाँ जाके एंट्रीड हुए? इसलिए कि आपने दुनिया की सारी लीग्स में इन लड़कों को एनओसी दे दी। और जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कहा यह जा रहा है कि ये तीनों पीएसएल में भी डाउटफुल है। नसीम मोहम्मद हसनैन शायद खेल गए, लेकिन नसीम शाह और एहसानुल्लाह तो 4-5 महीने के अंदर उनकी क्रिकेट में वापसी मुश्किल नजर आ रही है। मसला यही है कि मुश्किल इसीलिए नज़र आ रही है कि हम संभाल के नहीं रखते। हम फास्ट बोलर्स का लैंड खुद को कहते हैं, मगर पूरा एक साल गुजर जाता है, हम भूल जाते हैं पीछे ये लड़के क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ इंजर्ड हुआ है, किसकी कैसी रिहैब चल रही है। मगर भट्टी साहब, जब पीसीबी से हमारी बात हुई तो पीसीबी का ये कहना था कि एहसानुल्लाह का क्योंकि वीज़ा नहीं लगा था, तो इस वजह से एहसानुल्लाह को यहीं रखा गया, और यूके से स्पेशली डॉक्टर बुलाया गया। बाय द वे, कल ये प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर कहा गया जी यूके से डॉक्टर बुलाया गया, जब तीन दिन पहले से इस पे बहुत शोर मच रहा था कि एहसानुल्लाह के साथ ये ज्यादती क्यों की गई है। सायरा, मैंने तो आपके प्रोग्राम में तकरीबन महफल 2 वीक्स या उससे भी शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया, उस वक्त यही कहानी सुनाई थी जो अभी मैंने दोबारा दोहराई है। वीजा जो ये लेना चाह रहे थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए कतर भेजना चाह रहे थे, तो दोहा कतर का जो वीजा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आया। ओके, ठीक है, आपने यूके से डॉक्टर मंगवाया होगा, लेकिन पहले जो उसका गलत ट्रीटमेंट हुआ, गलत रिहैब हुआ, उसकी वजह से मसाइल बढ़े और उनकी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला। अभी भट्टी साहब, आपके ज्वाइन इन करने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हम टैलेंट के बेसिस पे तो प्लेयर्स को ज़ाया करते हैं, मगर हम इंजरी मिसहैंडलिंग की वजह से हमने पास्ट में कितने खिलाड़ियों को ज़ाया किया है। मुझे नहीं समझ आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, ये कब एडवांस होगा और ये कब बेहतर होगा।